नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पुराने नोटों और पुराने सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप लोगों के पास पुराने नोट और पुराने सिक्के पाए जाते हैं तो आपको घर पर बैठे लाखों रुपए की कीमत मिल सकती है। काफी लोग इन नोटों और सिक्कों की कीमत आपको 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ बताते हैं, लेकिन अगर आपके ऐसे जो नोट और सिक्के जो 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ में बिके हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। मुझे विश्वास है कि अभी तक आपके पुराने नोट और सिक्के नहीं बिके होंगे क्योंकि यूट्यूब पर चैनल ऐसे हैं जिनमें से मतलब 8 चैनल ऐसे हैं जो रियल वीडियो बनाते हैं, बाकी जो सारे चैनल हैं वो फेक वीडियो बनाते हैं, यानी कि आपके पुराने सिक्के अब तक नहीं बिके होंगे लगभग मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपके बिके भी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास कोई भी पुराने नोट या फिर कोई भी पुराने सिक्के हैं तो आप लोगों से हम ये सारे पुराने सिक्के और सारे नोट खरीद लेंगे। साथ ही साथ आज हमारे पास जो ऑर्डर आया है इन नोट और सिक्कों का जिन्होंने भेजा है, जिसका नाम है संदीप जी जैन जो हरियाणा से हैं और वो लोग हैं जो पुराने सिक्कों का कलेक्शन करते हैं और मतलब विदेशों में इन जो नोट और सिक्कों का व्यापार भी करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी चाहे 5 रुपये का ट्रैक्टर नोट हो या फिर माता वैष्णो देवी जी वाला सिक्का हो या फिर कोई इस प्रकार का 5 रुपये का सिक्का है 2 रुपये का सिक्का है तो आप लोग भी इन नोटों और सिक्कों को घर पर बैठे बेच सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा देखेंगे तो मैं आपको बायर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा जिनके माध्यम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको रिश्वत की बता देता हूं, जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं या फिर आपके साथ धोखाधड़ी का व्यवहार करते हैं उसके बारे में। दोस्तों ऐसे लोग भी काफी होते हैं जो आपके साथ धोखा कर लेते हैं, आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस वसूलते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो लोग आपके पुराने नोट और सिक्के कभी नहीं खरीदते हैं। मैं आपसे न ही कोई भी रिश्वत लेने वाला हूँ, न ही आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेने वाला हूँ और न ही मैं आपको कोई फालतू की एप्लीकेशन एक भी एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पुराने नोट और सिक्के डायरेक्टली हम खरीदेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए आपको इस वीडियो को जरा भी स्किप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर लेंगे तो आपको जानकारी कभी भी समझ में नहीं आएगी और आपके पुराने नोट और सिक्के नहीं बिक पाएंगे। अगर आप पुराने नोट और पुराने सिक्के बेचना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं थंबनेल पर और वो 100% वर्किंग नंबर नहीं देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, संदीप जी जैन के जो कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा वो 100% रियल वर्किंग होंगे। लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो थंबनेल पर नंबर दे देते हैं, वो मैं बताता हूँ 99% नंबर जो वर्किंग नहीं होते हैं, जिनमें से 1% नंबर ऐसे जो वर्किंग भी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट या पुराने सिक्के हैं तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें। लेकिन दोस्तों इनसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने वीडियो को लाइक करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को मतलब आपको हम पर भरोसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही फायदा होगा, हमें कोई फायदा होगा मतलब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। और मैं आपको ये जो चैनल है सब्सक्राइब करना इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी अगर आपका मन कहे तो करना है अन्यथा नहीं करना है। सब्सक्राइब करने से आपको एक फायदा होगा, वो होगा कि अगली जिन जिन नोटों और सिक्कों की डिमांड आएगी उसी का वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका मन कहे तो एक वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने से दोस्तों सिर्फ हमारे को मोटिवेट मिलता है और हम आपके पुराने नोट और सिक्कों को बेचने से संबंधित मतलब काम है जो ज्यादा स्पीड से करते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दें, मतलब लाइक नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम पर आपको भरोसा है कि ये लोग पुराने सिक्के खरीदते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद में दोस्तों अपन चलिए 100 रुपए की नोट के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक बात मेरे को और कहनी है कि मतलब आपके पास कोई भी पुराने नोट और सिक्के हैं तो वो सारी आपके पास कौन कौन से नोट और सिक्के हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन लोगों के पास ये नोट और सिक्के हैं। साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले आज इस वीडियो में और जो संदीप जी जैन ने हमें डिमांड भेजी है वो भारतीय रिजर्व बैंक वाले 100 रुपए के नोट के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, जिन्होंने कीमत बताई है 13,000 रुपए। दोस्तों इस ऐसी नोट में क्या खास बात है जिनके कारण आप लोगों को 13,000 रुपए मिलने वाली है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इस एक नोट के बदले घर पर बैठे ही वो बोलते हैं कि मैं आपको कीमत दूंगा आसानी से 1.5 लाख 2 लाख। लेकिन दोस्तों अगर आपके अभी तक पुराने सिक्के बिके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और अगर आपने इस प्रकार का कोई भी वीडियो सुना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि हमने इस नोट की कीमत 2 लाख 3 लाख सुनी, ये भी हमें जरूर बताएं।
दोस्तों आज इस वीडियो में आप यहाँ पर जो नोट देख रहे हैं इसकी 12,000 रुपए कीमत क्यों मिलने वाली है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस नोट के ऊपर एक अशोक स्तंभ का चिन्ह मतलब आपको मिलता है। साथ ही साथ इस जो अशोक स्तंभ के चिन्ह के चारों ओर आपको एक इस प्रकार की बॉर्डर लाइन यानी कि आपको एक इस प्रकार का वाटर मार्क मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस नॉट के इन दोनों साइड आपको एक व्हाइट कलर की वाटरमार्क मिलता है जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। और काफी नोटों पर वाटरमार्क इस प्रकार की क्वालिटी का भी होता है, सिर्फ इस प्रकार का होता है, उस पर व्हाइट पट्टी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों ये जो 100 रुपए की नोट है इस पर इस प्रकार की व्हाइट पट्टी है जिसके कारण आप लोगों को घर बैठे 12,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की कीमत संदीप जी जैन आपको देने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास भी भारतीय रिजर्व बैंक वाले 100 रुपए की इस प्रकार की नोट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में जो अगली नोट है वो है इस प्रकार की 10 रुपए की जाज वाली नोट, जो अगर आप लोगों के पास 10 रुपए की जाज वाली नोट पाई जाती है तो आप लोग भी घर बैठे आसानी से कमा सकते हैं 15,000 रुपए। क्योंकि ये जो नोट है इस नोट के ऊपर आपको जो बैकग्राउंड मिलता है वो एक इस प्रकार के मतलब एक राउंड के अंदर आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आपको एक नाव का फोटो की एक जो मतलब कोना है वो इस बैकग्राउंड के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी नाव वाली 10 रुपए की नोट है तो आपको घर पर बैठे 15,000 रुपए मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो लकी नोट होती है जिनके ऊपर इस प्रकार का कोना होता है और काफी मतलब बायर से जो इन नोटों को खरीदते हैं और अपनी एल्बम में सेव करके अपने मतलब पर्सनल रूम या फिर ऑफिस में रख देते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की 10 रुपए की कोई नोट है तो आपको मिल सकते हैं 15,000 रुपए। अगर आपके पास 10 रुपए की ये नोट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों ये इस प्रकार की 100 रुपए की नोट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस नोट के ऊपर आपको सबसे पहले 100 रुपए लिखा हुआ नजर आता होगा। साथ ही साथ आपको भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट है जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत की गई है। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की 100 रुपए की नोट है जिसके ऊपर आप लोगों को एक इस प्रकार का बैकग्राउंड मिलता है, अगर आपके पास भी इस प्रकार की 100 रुपए की नोट है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है, सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ नजर आता होगा, तो आपको 100 रुपए की नोट के बदले घर पर बैठे आसानी से मिल सकते हैं आसानी से 17,000 रुपए। मैं आपको 2 करोड़ या फिर 2 लाख नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको जो वास्तविक कीमत है और जो संदीप जी जैन ने हमें कीमत बताई मैं आपको सिर्फ इतनी कीमत बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इस नोट के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और इस प्रकार की कुछ मतलब एक जो किसान है जो यहाँ पर एक खेती करते हुए आपको नजर आते होंगे, ये 100 रुपए की किसानों वाली नोट है जिसके ऊपर किसान जो खेती करते हुए या फिर कोई बाजरा बोते हुए या कोई भी अनाज बोते हुए आप लोगों को यहाँ पर नजर आता होगा। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की 100 रुपए की नोट है तो आपको 17,000 रुपए मैं और संदीप जी जैन दोनों देने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास भी 100 रुपए की ऐसी नोट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। इसके बाद में जो अगली नोट है वो 1 रुपए की ऐसी नोट जिसकी कीमत आपको मिलेगी घर पर बैठे 3 लाख रुपए। अब दोस्तों इस नोट की 3 लाख आपको क्यों मिलेगी वो भी वास्तविक कीमत में आपको बताऊंगा। 3 लाख आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इस नोट के ऊपर आपको एक इस प्रकार का जो 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर अनाज का फोटो होता है उसका बैकग्राउंड आपको इस सिक्के के ऊपर सॉरी इस नोट के ऊपर बनाया गया है। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की 1 रुपए की नोट है तो आपको भी मिल सकते हैं घर पर बैठे आसानी से 15,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक की कीमत। संदीप जी जैन ने हमारे इस जो नोट की कीमत बताई है वो बताइए 2,70,000 रुपए। अगर आप लोगों के पास इस प्रकार की 1 रुपए की नोट है तो हम आप लोगों को 2,70,000 रुपए आसानी से देने वाले हैं। बेचना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, अगर नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे नोटों और सिक्कों की डिमांड है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण ये जो 5 रुपए की नोट है जो नोट है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं बता पाया, इसलिए दोस्तों अगर मैं बता देता तो वीडियो लंबा होता जाता। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लें। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं जिनसे आप संदीप जी जैन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है जो संदीप जी जैन के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दी है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप कमेंट करके कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी जो कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर दोगे वो नंबर जैसे ही संदीप जी जैन के पास चले जाएंगे तो आपके उस नंबरों से आने वाली जो कॉल है वो सक्रिय कर दी जाएगी और आप लोग आसानी से पुराने सिक्के भेज सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे फालतू के हजारों लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उसको रिप्लाई नहीं दे सकते और इसलिए उन लोगों ने सिम को लॉक कर दिया है। और अगर आप सिम को लॉक नहीं किया लेकिन दोस्तों आने वाली कॉलों को लॉक किया है, अगर उन लॉक से आप खोलना चाहते हैं उस लॉक को तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना होगा
आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं वो बताना होगा, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, मतलब जैसे ही आपके पास जितने सिक्के हैं उसके बारे में लिखकर आपको उसके पीछे जो आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देने, जैसे ही आपके अपने कॉन्टैक्ट नंबर संदीप जी जैन के पास जाएंगे तो वो आपके नंबर लेकर आपके मतलब उस नंबरों से आने वाली कॉल को सक्रिय कर लेंगे और आपके जो भी पुराने नोट और सिक्के हैं वो ये लोग खरीद लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, काफी जो विस्तृत जानकारी थी, काफी नोटों और सिक्कों की जो कीमत थी वो बाकी रह चुकी है और इसकी जो काउंटिंग अपन कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।